अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मेरा नाम है मारिया और ब्यूटी से गिवे मारिया में आप सबको खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है वो है अबाउट व्हाइटनिंग फेशियल के हवाले से, अबाउट डर्माकॉस। मैं इसमें एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ आई थिंक, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें मैंने बहुत डिटेल्स है आपको व्हाइटनिंग फेशियल के बारे में बताया कि व्हाइटनिंग फेशियल आप घर बैठे किस तरह से कर सकते हैं बिल्कुल पॉलर जैसा। सबसे पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि इसमें मैं दूसरा जो रिव्यू दूंगी वो डर्माकॉस का ये विटामिन सी का मास्क है जो कि पील ऑफ मास्क होता है, इसके बारे में रिव्यू दूंगी आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोग घर में बैठे किस तरह से कर सकते हो। और ये तमाम प्रोडक्ट डर्माकॉस के इजीली अवेलेबल होते हैं, मतलब आप इम्तियाज सुपरमार्केट, चेज, कराची की बात करें लाहौर, इस्लामाबाद में भी मिल जाएंगे, मुझे इतना अंदाजा नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत आराम से मिल जाते हैं। और डर्माकॉस जो है वो बहुत ही ना कॉमन है, मतलब डर्माकॉस आप बड़े बड़े सलोन्स में चले जाओ ना, बड़े बड़े पार्लर में चले जाओ, डर्माकॉस ही इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। डर्माकॉस की व्हाइटनिंग फेशियल के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि डर्माकॉस का व्हाइटनिंग फेशियल आप किस तरह से कर सकते हो घर बैठे, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि मास्क इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, तो मैं इसके बारे में पूरा रिव्यू दूंगी। अच्छा, ये क्या चीज है भाई, ये है डर्माकॉस पाइथोमर बॉटनिकल एसरोल विटामिन सी मास्क। ये विटामिन सी मास्क अगर आप लोग देख सकते हैं तो, ठीक है, विटामिन सी मास्क है। और क्या करते हैं, इसको पानी में बनाते हैं, पानी में बनाने के बाद इसको फेस पे लगाते हैं और जब ये सूख जाते हैं फेस पे तो इसको आप पील ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये मास्क बेस्ट है, मास्क है, मतलब अगर आपको अर्जेंट अपना व्हाइटनिंग फेशियल करना है, अर्जेंट आपके घर में कोई शादी भी आकर सिलसिला आ रहा है, तो आप आराम से ना डर्माकॉस का फेशियल करो, ये मास्क लगा लो। ये मास्क थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई थिंक 500 का ये मास्क है, 500 या 450 मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि इस एक मास्क में ना दो बंदे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये एक बंदे के लिए दिया हुआ है लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप लोग दो बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अपने लिए इस्तेमाल करूंगी तो मैं इसका आधा इस्तेमाल करूंगी, आधा रख दूंगी उठा के, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये। तो उसके अलावा मैं इस दफा व्हाइटनिंग फेशियल बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को करके भी दिखाऊंगी, मैंने वीडियो तो डिटेल में बना ही दी है लेकिन मैं आज आप लोगों को करके भी दिखाऊंगी व्हाइटनिंग फेशियल डर्माकॉस का, ताकि कोई भी आप लोग के जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी है तो आप लोग कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और ये इसके अलावा ये मास्क भी लगा के दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, और मैं आपको फेशियल से पहले ब्लीच भी करके दिखाऊंगी कि ब्लीच किस तरह करती हूँ, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगी ब्लीच के वाले से भी, ब्लीच के वाले से भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, व्हाइटनिंग फेशियल के वाले से भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि मैंने व्हाइटनिंग फेशियल पे वीडियो बनाई है और ब्लीच पे वीडियो बनाई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना फेशियल। सबसे पहले मैं ब्लीच करूंगी और उससे भी पहले मेरी आंखों के नीचे ना, ये कल जो मैंने मेकअप किया था हल्का हल्का सा काजल लगा हुआ है, ये सब फेस साफ कर दूंगी। याद रखिए जब भी आप लोग फेशियल किया करें तो अपना फेस पूरा साफ कर लिएगा, जैसे देखिए जैसे मेरी काजल काजल हल्का हल्का सा लगा हुआ है ना, ये सब काजल वाजल मैं बिल्कुल साफ कर लूंगी ताकि मेरे फेस पे कोई भी डर्ट बाकी ना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डर्माकॉस का फेस वॉश यूज करूंगी, ठीक है। व्हाइटनिंग फेशियल में सबसे पहले फेस वॉश यूज होता है लेकिन उससे भी पहले ब्लीच होती है, तो मैं पहले ब्लीच करूंगी, ब्लीच के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगी। तो चलते हैं फेशियल की तरफ, शुरू करते हैं अपना फेशियल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना फेस अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और हेडबैंड ये इस तरह से लगा लेना चाहिए। देखिए मैंने अपना हेडबैंड इस तरह से लगा लिया ताकि आपके फेस पे कोई बाल ना आए। तो सबसे पहले मैं अपना फेस अच्छे से, ये आंखें वाखे अच्छे से साफ कर लूंगी, ठीक है। आपका फेस जितना क्लीन होगा ना उतना फेशियल वगैरह अच्छा होगा। तो ये आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए। नेक्स्ट चीज, मैंने अपना ये बना लिया, ठीक है, ब्लीच। ब्लीच के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के। सबसे पहले आप अपने नीचे के फेस पे पूरा ब्लीच लगाएंगे और फॉरहेड पे लगा लेंगे, लेकिन इस जगह पे सबसे लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो मैं अपने पूरे फेस पे ब्लीच लगा लेती हूँ, उसके बाद सबसे लास्ट में लगाऊंगी। तो ब्लीच मैंने अपनी आंखों पे लगा लिया है, ठीक है, और ब्लीच मैंने काफी दिनों बात की तो मेरी आंखों में ना फॉर्म से लगती है। अगर ब्लीच मैंने अपने अराउंड फेस लगा लिया है, ठीक है, और अपने आंखों वाले हिस्से में सबसे लास्ट में लगाया है, और कोशिश करेंगे कम कम ही लगाएं भाई, ये जगह ना जल जाती है, ये जगह जो है आपकी जल जाती है। तो कोशिश करें कि ब्लीच जो है ना बिल्कुल लास्ट में आंखों में लगाएं और 5 मिनट के बाद ये नीचे का हिस्सा साफ कर लें, क्योंकि अगर आप ये साफ नहीं करेंगे तो आपकी ये जगह जल जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के जल भी जाती है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं इसको 15 मिनट के बाद ही हटाते हैं। भाई जिनकी स्किन अच्छी है उनकी तो नहीं जलती होगी, लेकिन जिनके सेंसिटिव होती है उनकी जगह जल जाती है। वो लोग समझते हैं कि हमारे जो है ना वो झाइयां आ गई हैं या हमारे जो है ना ब्लैक हेड्स हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपने कभी कभी ब्लीच करवाई होती है ऐसे ऐसे पॉलर से, जो वो 15 मिनट इसको रखते हैं और हटाते ही नहीं है, वो जल जाती है अपनी जगह। तो इसको 5 मिनट बाद हमेशा हटा दिया करें, अंडर आइज का जो एरिया होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। मिलते हैं 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद इसको हटाऊंगी मैं। इसको हटाने के बाद फिर
अपना 15 मिनट बाद मैं अपना फेशियल ब्लीच हटा दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट बाद मैं अपना ये हटा रही हूँ। देखिए मैं बहुत डिटेलिंग वीडियो बना रही हूँ दोबारा से, ताकि आप लोगों को आसानी से वाइटनिंग के बारे में पता चल जाए, करना आ जाए, वरना मैं इस बारे में बहुत डिटेलिंग वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए दोबारा से बना रही हूँ। ठीक है, मैंने नीचे घर से हटा दिया और आफ्टर 10 मिनट मैं अपना पूरा फेस वॉश कर लूंगी। मैंने अपने ब्लीच साफ कर लिया। ब्लीच साफ करने के बाद जो मेरा वाइटनिंग पे जल का पहला स्टेप है वो है अबाउट, करीब से दिखा दूं इसको, ये डर्माकॉस का है फेस वॉश। ठीक है, ये फेस वॉश जो है मैं करूंगी अपने पूरे ओवरऑल फेस, जिस तरह से आप फेस वॉश करते हो उस तरह से करना है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, कोई मतलब बहुत ज्यादा साइंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको निकालती हूँ अपने हैंड में, मैंने निकाला इसको, ठीक है ये देखे तो ऐसे निकाला इसको, और सबसे अच्छे से मैं अपना फेस वॉश कर लूंगी, चेहरा मैं गीला कर लूं, ठीक है, और उसको अच्छे से लेके मैं अपना फेस वॉश कर लूं। उस तरह से आप लोग अपने फेस वॉश करते हैं उसी तरह से करें, कोई उसमें वो नहीं। नेक्स्ट स्टेप है मेरा डर्माकॉस का हेक्सागोनल क्लींजर, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये स्टेप है फेस वॉश के बाद आप क्लींजिंग करेंगे फेस की, और क्लींजर क्लींजिंग एक ही चीज होती है, तो मैं इसको लेके अपने फेस पे लगाऊंगी और अच्छे से मसाज कर लूंगी। थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है तो हल्के से हाथ से पानी लेके ना इसको कर लेगा, और इतना ठंडा ठंडा सा है, मुझे मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं हल्के से हाथ से पानी लूंगी और इसको मैं अपने क्लींजिंग स्टार्ट कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप है मेरा स्क्रब का एक्सफोलिएशन का, ये डर्माकॉस का एक्सफोलिएशन स्क्रब है। मैं अपने चेहरे को एक्सफोलिएट करूंगी, और ये गावा का है, आपके पास कोई सा भी हो, मतलब डर्माकॉस का कोई सा भी हो तो चल सकता है। ठीक है, गावा का बहुत ही अच्छा है, सूदिंग है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, और इसके छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, इसका स्क्रब भी बहुत जबरदस्त है एक्सफोलिएट जो है। ठीक है, मैंने इसको फेस पे अच्छे से लगा लिया है, और हमेशा हमेशा और हमेशा बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि हमेशा स्क्रब को आप सर्कुलर मोशन में करते हैं, आराम आराम से करते हैं, और बहुत ज्यादा जैसे अगर ड्राई स्किन हो रही है तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, करके छोड़ दें। अगर आपकी स्किन ऑयली है, अभी वैसे भी गर्मियों का मौसम है, कराची में वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है, तो आप लोग एक्सफोलिएशन कर लें अच्छे से, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस लगा के छोड़ दें। ठीक है, देखिए मैं सर्कुलर मोशन में, इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे, सर्कुलर मोशन में अपने नोज पे, नोज पे ज्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं, अच्छे से एक्सफोलिएट कर लूंगी। और अभी तो वैसे भी गर्मियां हैं, तो आप लोग कर लें अपने फोरहेड पे कर लें एक्सफोलिएट अच्छे से, क्योंकि फोरहेड पे भी आपके ब्लैक हेड्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा डर्माकॉस का मल्टीविटामिन क्रीम मसाज, मतलब मसाज आप करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना मसाज का स्टेप जो है वो स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैं मसाज नहीं कर सकती, तो अपना मसाज का स्टेप स्किप कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को मसाज करना है तो ये बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, आपका फेस बहुत रिलैक्स फील करता है मसाज से। ठीक है, तो आप लोग मसाज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रही, मैं स्किप कर रही हूँ, उसके बाद कुछ स्टेप की तरफ चलते हैं।
इसके बाद का जो स्टेप है वो है मास्क का स्टेप। ठीक है, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, मास्क जो है वो आप हाइड्रोक्सी क्ले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है मेन वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो विटामिन सी मास्क डर्मोकोक्स का पील ऑफ मास्क पे बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं वो मास्क आपको बनाना सिखाती हूँ। मैं पहले आपको बनाना सिखाती हूँ उसको बनाना किस तरह लगाना किस तरह है, तो चल के बनाते हैं वो मास्क। और मैं ये मास्क अगर आप लोग लगाना चाहते तो ये भी लगा लेकिन मेरी वीडियो ही उस पर है तो मैं वो आपको बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, तो हम ना मास्क बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको काटती हूँ। ठीक है, मैंने इसको काटा और मैंने कहा था इसका हाफ मैं लूंगी। ठीक है, इसके अंदर से देखते हैं, इसके अंदर जो मास्क है ना इसका मैं हाफ डालूंगी, आराम आराम से डालेगा ताकि गिर ना जाए। ठीक है, तो मैंने हाफ डाल लिया, हाफ रख लिया। अब मैं इसमें आस्ते आस्ते से पानी डालूंगी और इसको मिलाना शुरू करूंगी। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा आपने जो है ना देखिए आधा हाफ से कितना अच्छा जबरदस्त मास्क बन गया है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी बिल्कुल। तो मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी और इसको फौरन फौरन लगाना है फेस पे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ये मेरे पूरे फेस के लिए बहुत है, काफी है। अब मैं इसको अपने फेस अच्छा, तो गाइस मेरा मास्क ना आस्ते आस्ते सूखना शुरू हो गया। मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, मैं बस ये आप लोगों को बताना चाह रही थी कि देखें ये मास्क जो है ना मैंने ऐसे फोल्ड करके रख दिया है। ठीक है, और मैं इस पर टेप लगा के या कुछ लगा के रख दूंगी ताकि मेरे अगली दफा के लिए काम आए। ठीक है, और आप बाकी में जो है ना ये आधा इस्तेमाल कीजिएगा, पूरा आपका जाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आधा इस्तेमाल किया, उसमें मैंने अपना गर्दन वर्दन सब पे लगा लिया है लेकिन उसके बावजूद भी वो बच गया था। ठीक है, और ये बहुत जल्दी जो है ना सूखने लगता है, तो आपको फौरन से बना के फौरन से लगाना है। टाइम ज़्यादा मत कीजिएगा कि आप रख के बैठ गए आराम से लगाएंगे, मुझसे ये बोला नहीं जा रहा इसलिए मैं आराम से बोली हूँ। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग इसको जब बना के फौरन से लगाना है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोल रही, मास्क हटाते वक्त मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मास्क किस तरह से पील ऑफ होता है ये वाला। फाइनली मैंने अपना फेशियल कर लिया है और गाइस मैं इसके बारे में रिव्यू दूंगी, क्या कमाल का जो है ना ये मेरा फेशियल है और क्या कमाल का जो है ना ये मास्क था। इतना सॉफ्ट मेरी स्किन हो गई, मैं तो दिल से छूती रहूं। इतना कमाल का ये मेरा मास्क था, जबरदस्त मास्क था। जरूर ट्राई कीजिएगा, रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड मैं आपको देती हूँ कि आप ये मास्क खरीदिए और इतने अच्छे स्किन हो गए, यकीन करें। इसने ना मेरे सारे ब्लैक व्हाइट हेड्स भी निकाल दिए इस मास्क ने। अच्छा, ये मास्क की कुछ पॉजिटिव बातें भी बताती हूँ, कुछ नेगेटिव बातें बताती हूँ। मास्क बेस्ट है, मतलब आप लोग इतने महंगे महंगे पॉलर्स जाके ना व्हाइटनिंग फेशियल ना करवाएं, सिंपली छोटा सा फेशियल खरीदिए, ये मास्क खरीदिए और ये मास्क लगा के ना
बहुत जबरदस्त है, ठीक है। लेकिन ये कि इसको निकालना बहुत मुश्किल है, उसको लगाना भी बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी कि आप वॉशरूम में, मैं आप लोग के कमरे में ये वीडियो शूट करी तो मेरा कमरा गंदा हो गया है, आप लोग क्या करें वॉशरूम में ये वीडियो शूट कर, मतलब वॉशरूम में ही आप ये अपना जो है ना मास्क लगाइए और वॉशरूम में उतारे, क्योंकि ना ये पूरा मास्क जो है ना पूरा पैसे नहीं उतरता, ये छोटे 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 करके उतरता है, तो क्या करता है वो सारा नीचे गंद डाल देता है। तो इसलिए आप लोग वॉशरूम में ही कीजिए। एक नेगेटिव पॉइंट बस यही है कि इसको लगाना भी है तो ना ये बहुत फौरन बहता है, यूं यूं करके ना बहना शुरू हो जाता है, तो आपकी मेरी आंख में भी थोड़ा सा चला गया था, ठीक है। तो इसके दो नेगेटिव पार्ट ये, लेकिन पॉजिटिव ये कि इतनी अच्छी स्किन हो गई ना मेरी, इतनी ग्लोइंग स्किन हो गई, अगर मैं आपको दिखा पाती तो दिखाती कि मेरी इतना ग्लो आ गया स्किन पे, अगर थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा पाऊँ तो मेरी जो स्किन पे ना थोड़ा सा बहुत ना ग्लो ग्लो सा आ गया है और बहुत अच्छी स्किन हो गई, यकीन करें बहुत अच्छी स्किन हो गई मेरी, मुझे स्किन से प्यार हो रहा है बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि स्किन हो गई नरम भी हो गई, सॉफ्ट हो गई स्किन, स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाती है, स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है, ग्लो हो गई है, लग रहा है आपके सारे से ना इसने सारा डर्ट उतार दिया आपके फेस से, ठीक है। और उसकी खुशबू जो है ना थोड़ी, मैं अगर बताऊं बेसन वाली, थोड़ी सी बेसन वाली इसकी खुशबू, मुझे लग रहा है जैसे मैंने बेसन का मास्क लगाया हुआ है। तो दैट इट फॉर टुडे गाइस, आज की मेरी रिव्यू इसी हवाले से थी, और मेरी रिव्यू यही है और मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि आप लोग जरूर ये मास्क ट्राई कीजिए और जरूर ये फेशियल घर बैठे, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको घर बैठे जो फेशियल आसानी से बता सकूं, आसानी से आप लोग कर सके वो कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको कुछ भी आप मुझे जानना हो तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।